पापा गुप्ता जी बैल की तरह उसके लिए काम भी करते हैं। तू चुप कर, बाप के आगे जवान चढ़ाता है, कभी दो बातें सुनने का तो छोटा नहीं हो जाएगा। अरे मम्मी इनकी दो बात खत्म भी तो नहीं होती। बेटा मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनो बेटा मेरी बात। ये जो तू खाना खा रहा है, रोटी खा रहा है, 25 रुपए किलो आटा आता है, और ये लौकी है 28 रुपए पाव आती है। तो क्या करूं? करना क्या है, कम से कम 25 रुपए तो कमाओ, कम से कम अपने पैसों की सूखी रोटी तो खाओ, तब तक मेरे पैसों की खुशते रहोगे। आपने कौन सा तीर मार लिया, हमेशा छोटे बच्चे को डांटते रहते हो। बेटा तू खाना खा। बच्चा छोटा बच्चा है, अगर काम धंधे पे लगा होता, इसकी टाइम पे शादी होती तो मेरे से बड़े इसके बच्चे होते हाइट में। मेरे को बोल रही है तीर मारिए। 40 साल से एक ही कंपनी में काम कर रहा हूँ मैं, आज तक कोई कंप्लेंट नहीं आई मेरी। हाँ तो कोई इज्जत भी तो नहीं हुई आपकी। हाँ तो मैंने इज्जत कमाई नहीं, मैंने पैसा कमाया भाई। हाँ हाँ बड़ा पैसा कमाया, 4 साल से झुमके मंगा रही हूँ, झुमका तो छोड़ा है, झुमके का डब्बा तक नहीं लाए। हाँ झुमके भी मिल जाएंगे, तेरे को बात करती है झुमके मिल जाएगा। तेरे को पता है मेरे को बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, बस एक बार वो अच्छे से हो जाए उसके बाद मेरी प्रमोशन तो पक्की। क्या बेटा तू तो खाना खा था। शर्मा जी, शर्मा जी, ओ शर्मा जी। अरे आओ आओ श्याम लाल, कैसे आना हुआ, ना दिवाली है ना होली है, आज कैसे भाई। सामने में जाए, आपके लिए दो न्यूज है, एक गुड न्यूज और एक बैड न्यूज। बताओ पहले कौन सा न्यूज सुनना चाहते हो। वैसे इसकी शक्ल देख रहा हूँ, पहले बैड सुना दो, बाद में गुड सुन के खुश हो जाऊंगा। अभी से आप मैनेजर नहीं रहे। मैनेजर नहीं रहा, अरे लगता है प्रमोशन हो गई, बड़ी 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 अच्छी बैड न्यूज आई भाई, अब गुड न्यूज सुनाओ। अभी से मैनेजर मैं बन गया। इसमें मेरे लिए क्या गुड है भाई। आपको मिठाई मिल रहा है ना खाने के लिए, खाओ। पर मेरी नौकरी गई। भाई साहब क्या न्यूज लाए हो यार, अरे मजा आ गया। अरे मेरे भाई, अरे अरे वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया न्यूज। पापा 40 साल से कंप्लेन नहीं आ रही थी, कंप्लेन नहीं आई, डायरेक्ट नौकरी चली गई हो मम्मी। अरे बाप, मिठाई मिठाई, एक सेकंड। ए मिठाई हम अपने हाथ से पापा खिलाएंगे, पापा खाइए ना, खाइए खाइए। मम्मी एक काम करिए, घर में जितनी लौकी है ना सबकी सब्जी बनाइए, ताकि पापा के पास अब कोई नौकरी वोकरी नहीं, घर पे बैठ के लौकी ही खाएंगे। मैं आज लौकी खाऊंगा, तेरा कुछ और खाने का इरादा है तो वो क्या। नहीं नहीं मम्मी 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 देखो अंदर चमत्कार हो गया। क्या नाम रखा है उसका? अरे कुछ नाम नहीं रखा, हमारे अलमारी में खूब सारे कपड़े और गहने आ गए। अच्छा जी। पुत्री अपनी अगली इच्छा बताओ। अगली इच्छा? हाँ। अगली इच्छा। देवी माँ आप एक काम करिए, ये सोफा बेड किचन का बर्तन बर्तन टॉयलेट सीट सब हटा के ना हर जगह जहाँ जहाँ आपको जगह मिले ना वहाँ मेरे नए नए कपड़े और कीमती गहने भर दीजिए। बस इनकी रद्दी भी हटा दीजिएगा। उसने कहा और मांगी टॉयलेट सीट तक हटवा दिया, हम लोग लोटा लेके घर में घूमते रहेंगे पागलों की तरह। और सुनिए मैं बोल रहा था कि ये वाइफ हटा के नई वाइफ लाइए, यार से सुना नहीं गया, और इसने कहा आप तुरंत सपोर्ट करने लगी। आप मर्दों का विरोध करती हैं क्या? इसका मतलब आप हमें गायब करने के चक्कर में थे। इतना ही नहीं पुत्री, ये तुम्हारे बदले एक हॉट सेक्सी चोचक डॉट डॉट लड़की मांग रहे थे। इसका मतलब आपकी जैसी। हाँ एक मिनट, मर्दों का इतना विरोध क्यों कर रही है, तभी पड़ी है क्या अभी अपने पति से? और सुनिए ये इस छड़ी से मैं कुछ भी गायब कर सकता हूँ। ओके नहीं पुत्र, शकला का बेबी। इसका सारा सामान गायब हो जाए, इसका मेकअप गायब हो जाए, ये चुड़ैल जैसी दिखे। शकला का बेबी। अब तो भाई हमें कोई नहीं रोक सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती।
एक मिनट बाबा जी, क्या हुआ? बहुत घुटन हो रही है, पहली बार इतने लंबे लंबे कपड़े पहने ना। कोई बात नहीं भाई, विलहन का ध्यान रखना चाहिए। हाँ, डाल दो बाबा के झोले में, डाल दो। ये लीजिए बाबा जी। वैसे बाबा जी, हाँ? मुझे एक बात कन्फेस करनी थी। अफेयर के बारे में बताना है अपना? रे कोई हमें लेना देना नहीं। देखो तीन चार तुम बताओगी, 40-50 हम बताएंगे तो नुकसान हो जाएगा। अब तो हमारी शादी हो रही है, नई जिंदगी शुरू करेंगे। नहीं नहीं बाबा जी, हाँ? हमारी शादी नहीं हो रही है। हाँ? रॉकी और आपकी बहन की शादी हो रही है। चलो वो मरने दो, वो भी हो रही है लेकिन हमारी भी तो हो रही है। हमारी कोई शादी नहीं हो रही है, वो एक्चुअली मैंने और रॉकी ने ये प्लान बनाया था उसकी शादी करवाने का, इसलिए। बाबा जी, बाबा जी मैं जा रही हूँ, भैया की शादी, आ जाना टाइम पर रिचार्ज देकर। रुको, शादी तो नहीं कर रही, सुहागरात मतलब कुछ छोटा। बाबा जी, हाँ? वो विचारों में कर लेना, टाइम पर आ जाना। हाँ? आज तो नेटवर्क इतना डाउन है, टावर भी नहीं खड़ा हो पाएगा भाई, इसीलिए सब फॉलोअर्स बैठे बैठे ही भाई डाउनलोड कर लो विचार। तो भक्तों, बड़ी इच्छा थी कि सोशल बाबा की बढ़ाए आबादी, इसीलिए धूमधाम से कर रहे थे शादी, लेकिन उस छोटे साले ने कर दी बर्बादी। चलते हैं भाई, ठंड बहुत है, ओढ़ के सोते हैं, वही वाली पुरानी खादी। ये मैसेज 10 लोगों को फॉरवर्ड करो, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। ये सेंड कर दिया। अरे यार रुको तो, हे भगवान, जल्दी से किसी एनआरआई लड़की को भेज दो ताकि मैं विदेश जा सकूं। और क्या, एनआरआई लड़की आएगी तो मेरी शादी उससे हो जाएगी, फिर मैं उसके साथ निकल जाऊंगा विदेश। हेलो, आई एम माधुरी। करीना भी होती तो कुछ फर्क ना पड़ता, क्योंकि मैंने अपना दिल और दिमाग किसी एनआरआई लड़की के लिए रखा है। I don't know what you are talking about. मैं कनाडा से आई हूँ, बत्रा अंकल का घर ढूंढ रही हूँ। अगर आप उनका फ्लैट नंबर जानते हो तो प्लीज मेरी हेल्प कर दीजिए। आप कनाडा से आई हैं? Oh yes. अरे यार, लगता है मैसेज जो फॉरवर्ड किया भगवान ने मेरी सुन ली है। किसी तरह से इस लड़की को पटा लूं, इससे शादी हो जाए तो मजा आ जाएगा। ये आप क्या बातें कर रहे हैं? खुद से बातें कर रहा हूँ। आदत है। आइए बैठिए ना, बैठिए बैठिए। नो नो, आई एम गेटिंग लेट और मुझे बत्रा अंकल का घर ढूंढना है, प्लीज मेरी हेल्प कर दीजिए। ऐसे कैसे हो सकता है? अतिथि देवो भव, हमारे देश की संस्कृति है, बिना शादी किए मैं तुमको कैसे जाने दूंगा? क्या मतलब? मतलब कि जब तक तुमको चाय पानी नाश्ता ना करा दूं, तब तक मैं आपको कैसे जाने दूंगा? और सुनिए, उसके बाद मैं आपको बत्रा जी के घर पे खुद इंडिपेंडेंट अपने दम पर उनके घर पे छोड़ कर आऊंगा। सो नाइस ऑफ यू। ठीक है तो मैं चाय पी ही लेती हूँ। पी ही लेते हैं, आइए। पी ही लेते हैं। हाँ, वैसे ये बताइए कि आप इंडिया किस लिए आई हैं? एक्चुअली मेरे मॉम डैड चाहते हैं कि मैं एक इंडियन लड़के से शादी करूं, और मैं यहाँ पे लड़का पसंद करने आई हूँ, मगर कोई लड़का मुझे पसंद नहीं आया। अच्छा, वैसे आपको लड़का चाहिए कैसा? मुझे एक ऐसा लड़का चाहिए जो हस्बैंड कम और मेरी सहेली ज्यादा हो। बाहर से तो लड़का लगता हो, मगर अंदर से लड़की हो। आई मीन 2 इन 1।